कोई मुझसे बात करे तो मैं बड़ा तमीज़ वाला हूँ क्योंकि मैं सेंट कोलंबस से पढ़ा हूँ, तो मैं बहुत तमीज़ से पेश आता हूँ, लेकिन थोड़ी सी भी कोई बदतमीज़ी कर दे तो फिर मैं एकदम दिल्ली वाला हो जाता हूँ, फिर मैं एकदम यू नो तू तड़ाक पे आके और काफ़ी बदतमीज़ी की गालियाँ वालियाँ देता हूँ। आई थिंक अनुष्का ना जानवरों से बहुत प्यार करती हैं और सफाई से भी बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं, तो वो हमेशा यही एडवाइस देती रहती हैं कि एनवायरनमेंट और जानवरों को कैसे अच्छी तरह से रखा जा सके। सो आई थिंक शी इज़ द बेस्ट एडवाइजर फॉर एनवायरनमेंट एंड वेरी गुड एंड हार्ट फेल्ट। वो कभी भी, अनुष्का की सबसे अच्छी खासियत ये है कि वो कभी भी कोई भी चीज़ बिना दिल के नहीं बोलती, तो उसको जानवरों से बहुत लगाव। कटरीना को हर चीज़ के बारे में सब कुछ मालूम, स्पेशली फिल्म मेकिंग और लाइटिंग के बारे में। कटरीना से आपको मालूम नहीं, एक चीज़ होती है DI, जो फिल्म जब तैयार होती है तो उसके कलर्स वगैरह ठीक करते हैं, जो मुझे आज तक समझ नहीं आई। कटरीना को फिल्मों के बारे में सब कुछ पता है। आप कटरीना को सीन सुनाएं, वो आपको बताएंगी कि कैसे नहीं होना चाहिए। आप उसको का ऐसा होना चाहिए, वो कहेंगे बिल्कुल नहीं ऐसे होना चाहिए। शी इज़ गॉट एडवाइस इन एवरीथिंग बट शी इज़ टू लवेबल एंड टू स्वीट, और उसकी एडवाइस भी जो है दिल से आती है, तो इसलिए यू कांट टेक इट रॉन्ग। आनंद राय साहब खाने में एक्सपर्ट है, और उनका ऐसा लाइफ के अंदर ये ड्रीम है मेरे को लगता है कि कलर येलो हलवाई की दुकान एक खोल लें, वो सबसे ज़्यादा खुश रहेंगे। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन कुलचा, इन भटूरा, इन कबाब्स, इन चिकन, इन दाल, इन चावल, इन प्याज, इन रोटी, कोई भी कहीं पर भी। कई बार आनंद साहब मुझे फ़ोन करते हैं रात को 3 बजे, सर एक बड़ा अच्छा आया दिमाग में, बहुत अच्छा आया दिमाग में। कह हाँ सर, बोलिए वो जो सीन कल करें। सीन नहीं सर, वो तो ठीक है, आज ना मैं सोच रहा हूँ जलेबी मंगाऊंगा सेट के ऊपर सर, क्योंकि हम चेंबूर के पास शूट कर रहे हैं। ही इज़ एन एक्सपर्ट इन फूड, ही इज़ ही शुड हैव हिज ओन शो, मास्टर शेफ एंड अ मास्टर टेस्टर। आप चकदे जैसी पिक्चर क्यों नहीं करते, आप स्वदेश जैसी पिक्चर क्यों नहीं करते, क्योंकि मैं वो पिक्चरें कर चुका हूँ, तो फिर से वही पिक्चर करता रहूँ, वही पिक्चर करता रहूँ, कोई बात हुई है। मेरे को पहला चेक मिला था 50 रुपये का, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, पंकज उदास साहब का कॉन्सर्ट था, तो उसमें मैं अशर था श्री फोर्ट ऑडिटोरियम दिल्ली में, तो मुझे 50 रुपये का चेक मिला था, जो मैंने लेकर आगरा ताजमहल मैंने देखा नहीं था, तो मेरे 3 दोस्त और मैं हम आगरा चले गए थे, क्योंकि हमने ट्रेन का टिकट किया, तब सस्ता था, और वहाँ पे हमने पिंक रंग की लस्सी पी जिसके अंदर एक बम्बल बी थी, फिर वो मेरे गले में टक गई और वापस आते हुए मैंने बहुत थ्रो अप किया, तो मेरा ये 50 रुपया जो है बहुत महंगा पड़ा मुझको। मिर्ची के जितने भी आरजेस हैं, मैं उनसे सवाल पूछना चाहूँगा यार, कि तुम इतनी खुशी से और इतने प्यार से और इतने लगाव से कुछ चीज़ों की बातें करते हो, दुनिया की बातें करते हो, एंड यू नो सम अदर थिंग्स यू से आर ब्यूटिफुल, उस अकेले कमरे में बैठकर मैं तुमसे सवाल नहीं पूछना चाहता, मैं सिर्फ तुम्हारा धन्यवाद करना चाहता हूँ सारे आरजेस का, 60 ऑफ देम। यू गाइस आर वंडरफुल एंड आई लव यू वेरी मच फॉर मेकिंग आवर डेज, आफ्टरनूनस एंड इवनिंग्स सो ब्लिसफुल एंड सो हैप्पी। मैं एक बार मेरे गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया था और मैं ड्राइव पर था, मैं जगह नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर किसी को मालूम पड़ गया वो पकड़ लेंगे मुझको अभी भी सालों बाद। तो मैं जा रहा था, मेरा गाड़ी का एक टायर पंक्चर हो गया, तो मैंने स्टेपनी बदली उसकी, फिर उसके बाद दूसरा टायर भी पंक्चर हो गया, तो स्टेपनी थी नहीं मेरे पास, मैं डिटेल्स छुपा रहा हूँ। फिर मैं एक जगह गया, फिर वहाँ पर एक और गाड़ी खड़ी थी जो बिल्कुल मेरी गाड़ी जैसी थी, और उस गाड़ी के पहिए बिल्कुल मेरी गाड़ी के पहिए से मेल खाते थे, तो मैंने अपना एक एक पहिया निकाला जो पंक्चर हो गया था उस गाड़ी में लगाया, और उनके 2 पहिए निकाले और अपनी गाड़ी में लगा लिए, और फिर मैं ठीक ठाक चला गया। मैंने नोट लिख दिया था उसके ऊपर, थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ आपका टायर, आपकी गाड़ी देखी, इनके टायर बहुत सुंदर है, ऐसे ज़मीन पे मत रखिएगा, ऐसा छोड़कर मैं चला गया था। बट दैट्स अ रियली रॉन्ग थिंग, मैं डेस्परेट था यार, उसके बाद मैं कभी ऐसा नहीं करता। वो दिन और आज का दिन, बिकॉज ऑफ टाइमिंग, मेरी बेटी है जो लंदन में पढ़ रही है, तो उसका वक्त बिल्कुल सही होता है, वो 8-9 बजे पैकअप करती है, खाना वाना खाती है, अपने रूम में आती, सो आई कैन स्पीक टू हर, सो माई डॉटर इज़ माई 2 AM फ्रेंड। उससे ज़्यादा लेट हो जाए तो मेरा बेटा LA में 5-6 बजे वो मुझसे बात करता है, और फिर 7 बजे सुबह 7 AM फ्रेंड, क्योंकि मैं रात को सोता नहीं हूँ, तो आई नीड मेनी फ्रेंड्स फ्रॉम 2 AM टू 7 AM इन द मॉर्निंग। सुबह 7 बजे मैं अबराम के साथ, 5 बजे आर्यन के साथ, रात को 2 बजे सुहाना के साथ। मैं सब जवान लोगों को ये कहूँगा कि यार, कोई भी तुमको ये बात बोले कि यू नो मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, मनी कांट बाय यू हैप्पीनेस, ये सब बातें जो है ना, ये तकियानुसी, और जो बोलते हैं अच्छे दिल से बोलते होंगे, बट आई टेल एवरी वन, डोंट बिकम अ फिलोसोफर बिफोर यू आर रिच। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पैसा कमाएं, ऑनेस्टली कमाएं, मेहनत करके कमाएं, और जो जो आपकी मटेरियल ज़रूरत है वो ज़रूर पूरा करें, बिकॉज इफ़ यू हैव इशूज़ अबाउट यू नो मटीरियल नीड्स एंड डिज़ायर्स, लाइफ बिकम्स डिफिकल्ट। बी अ पोएट, बी अ राइटर, बी अ सिंगर,
be an artist, be an actor, be a businessman, whatever you want to do, but make sure that you have a good lifestyle. You owe it to your parents, और आप अपने बच्चों को जब आपके बच्चे होंगे आप ओ करते हैं ये. और ज़िंदगी अगर मटीरियली आराम से हो तो फिर बाकी चीज़ें करने का वक्त भी मिलता है और मज़ा भी आता है. लेकिन मटीरियल से इतना मत जॉइन अप हो जाओ कि ज़िंदगी में और चीज़ें ना करो. सो अर्न बट डोंट लिव फॉर ओनली अर्निंग, बट डू अर्न सो यू हैव अ गुड लाइफ. एक्चुअली बब्बा सिंह जो है मुझे लगता है गाड़ी खुद चलाते ही नहीं है. उन्होंने रखे हुए हैं दो चार शोफर, बहुत अमीर है मेरठ के, वो तो वो ज़्यादा तकलीफ में आएंगे नहीं. और अगर कभी गलती से पकड़े भी जाएंगे तो वो यही कह देंगे बच्चा समझ के माफ़ कर दो मुझको, मैं तो अंडर एज हूँ, मुझको जेल मत ले जाओ, गलती होगी अंकल, गलती होगी अंकल. आई एम श्योर बउवा जो है उनको पटा सकेंगे. बेंगलुरु में थोड़ा कन्नड़ में पटाना पड़ेगा उनको, नगर गया कुछ तो कह के वो निकल ही जाएंगे बेचारे. और कुछ और अगर नहीं होगा उनसे तो वो इतने छोटे हैं छुप जाएंगे, तो जो कॉप्स हैं वो ढूंढते रह जाएंगे कि ये गाड़ी कौन चला रहा है. उल्टा मुझे लगता है वो कॉप्स डर जाएंगे कि भूत तो नहीं चला रहा था. सो आई थिंक बउवा कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा. और जैसा मैंने कहा यार, उसके पास अपना शोफर है, बहुत अय्याश सा आदमी है, वो खुद गाड़ी वैसे चलाएगा ही नहीं, एकदम दादागिरी से बिग बिजनेस मैन की तरह पीछे बैठ के जाएगा. आई थिंक बातचीत करने के अंदर, और मुझे जो है ज़्यादा दिल्ली वाले बोलते हैं शोशागिरी ज़्यादा समझ नहीं आती. मैं लौंडा टाइप ही हूँ, जब कोई मुझसे बात करे तो मैं बड़ा तमीज़ वाला हूँ क्योंकि मैं सेंट कोलंबस से पढ़ा हूँ, तो मैं बहुत तमीज़ से पेश आता हूँ. लेकिन थोड़ी सी भी कोई बदतमीज़ी कर दे तो फिर मैं एकदम दिल्ली वाला हो जाता हूँ, फिर मैं एकदम तू तड़ाक पे आके और काफ़ी बदतमीज़ी की गालियाँ वालियाँ देता हूँ जो मैं रेडियो पे नहीं दे सकता, इतनी मिर्ची नहीं है इनमें. बाकी मैं मुंबई का कैसे बन चुका हूँ, आई थिंक द होल आइडिया ऑफ लविंग द सी, सो व्हेन आई केम टू मुंबई, और आज भी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं सबको ऐसे बोलता हूँ कि ना मैं किसको कहूँगा मैं मैया, एक ने मुझको जन्म दिया दिल्ली ने, एक ने मुझको पाला मुंबई ने. सो मेरे लिए वहाँ का वहाँ की जो मैं बदतमीज़ी कर सकता हूँ वो मुझे अच्छी लगती है, और यहाँ पर मैं सी के सामने जो काम फील करता हूँ वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. श्वेता, मैं ना दिल्ली से हूँ और मेरे पास ना कभी घर नहीं था. तो मेरे पे माँ बाप चल बसे, तो मेरे को ना यार घर का बड़ा फेटिश था कि मेरे पास एक बड़ा सा घर हो, बड़ा सा घर हो. क्योंकि हम दिल्ली वाले हैं तो हम लोग ना कोठी एक नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, मुंबई में अपार्टमेंट्स का कॉन्सेप्ट है, बट दिल्ली के अंदर मतलब इवन इफ़ यू आर नॉट वेरी वेल टू डू सबके पास छोटी छोटी कोठियाँ होती हैं. तो मैं जब मुंबई आया तो मेरी शादी हो चुकी थी और मैंने शुरुआत में अपनी बीवी को बहुत छोटे घर में रखा था. तो मेरी मदर इन लॉ मुझसे पूछती रहती थी कि इतना छोटा घर. सो आई हैड दिस डिज़ायर टू बाय अ हाउस एंड नॉट फॉर एनी एक्स्ट्रावेगेंस, बट मुझे ऐसा लगा जो मन्नत है कि वो ठीक नॉर्मल सी कोठी है, मैं ख़रीद लेता हूँ. तो आई थिंक मैक्सिमम पैसा मैंने उसी में किया, अदरवाइज मैं इतना आई एम नॉट अ स्पेंडथ्रिफ्ट ऑन मटेरियल थिंग्स. आई वांट टू आस्क यू, अगर आपका दिन ऐसा, सपोज यू गेट अप इन द मॉर्निंग एंड आपको मालूम पड़े आपके पास जीरो हेल्प है, कोई आपका कुक नहीं आया, आपका मेड नहीं आई, आपका स्पॉट बॉय नहीं आया, आपका ड्राइवर नहीं आया, दैट डे शाहरुख खान का कैसे जाएगा, हमें ये जानना है. मैं सच बताऊं रीमा, अगर मैं उठा सुबह और मेरे पास मेरे दो चार लोग वो नहीं हुए जो मेरे को मदद करते हैं काम में, मैं वापस सो जाऊंगा. मैं कहीं भी बाहर नहीं जाऊंगा. मेरे एक भाई समान है, बंगाली उनको हम बोलते हैं, वो मेरी बहुत मदद करते हैं हर चीज़ में. एक दो बार ना वो कभी कभी नहीं आते, उनकी बेटी की शादी थी या कुछ, तो मैं बिल्कुल पागल सा हो जाता हूँ. मुझे कपड़े पहनने नहीं आते, मुझे खाना खाना नहीं आता, तो मैं काफ़ी एट लॉस हो जाता हूँ. मैं बहुत ज़्यादा स्पॉइल्ड हूँ. लेकिन ना मेरी नीड्स कम है, तो मैं ज़्यादा मुझे ना कि मैं कपड़े भी सेम पहन सकता हूँ, मैं खाना भी सेम खा सकता हूँ, और मैं गंदे कमरे में तो बहुत आराम से सो सकता हूँ. नहीं कुछ भी कर लो, मतलब मैं जैसे ना अगर सफाई नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझको, मैं काफ़ी गंदा किस्म का इंसान हूँ. और अगर साफ कपड़े ना हो तो मैं उल्टा करके पैंट पहन लेता हूँ, शर्ट पहन लेता हूँ, किसी को पता नहीं चलता, आजकल तो फैशन ऐसा है. बट हैविंग सेड दैट, तुम्हारे को जब भी तकलीफ हो और बेबीज़ का ध्यान रखना है, सो मेरा यह है, एक्सेप्ट फॉर द किचन मे बी, द रेस्ट ऑफ द प्लेसेस आप क्या करो, बच्चों को अभी तो छोटी हैं दोनों की दोनों, या जब वो बड़े हो जाएं तो उनके साथ ना कोई गेम बना के उस जगह पर चले जाया करो जहाँ पर तुम्हें काम करना है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर कपड़े धोने हैं तो उन दोनों को टब में बिठा दो और हाँ, और उसी के टब का पानी यूज कर कपड़े धो. मैं ऐसे ही करता हूँ, वेन एवर आई एम विद अब्राम एंड आई डोंट हैव एंड इफ आई हैव टू डू सम वर्क, मैं उसको वर्क में इन्वॉल्व कर लेता हूँ. हाँ, तीन चार पिक्चरों की कहानी उसने लिखी इसलिए इतनी फ्लॉप हो गई वो. Well, God bless you. And so Shah Rukh Khan sir knows how to survive. I know how to survive. If there's one thing I know how to survive. That's so nice. Thank you so much, sir. God bless you, Reema. I wish you a very happy life.